तो गाइस वीवो प्रो कबड्डी सीजन 7 का मैच नंबर 32 हमें देखने को मिलेगा बंगाल वॉरियर्स वर्सेस यू मुंबा के बीच पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में 9 अगस्त को शाम 7:30 से लाइव ऑन ट्रांसपोर्ट और हॉटस्टार। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसी मैच का प्रीव्यू। तो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो आप क्या कीजिए, बस शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। तो गाइज पहले हम बात करते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड मैचेस के रिजल्ट के बारे में। तो बंगाल वॉरियर्स और यू मुंबा के बीच टोटल 11 मैचेस हुए हैं, 10 मैच जीती है यू मुंबा और ओनली एक मैच जीती है बंगाल वॉरियर्स। मतलब हेड टू हेड के मामले में बहुत ज़्यादा आगे है यू मुंबा बंगाल वॉरियर्स से। वहीं पर अगर हम बात करें दोनों टीमों के स्टार्टिंग सेवन के बारे में, तो बंगाल की स्टार्टिंग सेवन हो सकती है सेंटर पे मनिंदर सिंह, राइट कवर पे जीवा कुमार, लेफ्ट कवर पे विराज लैंडजे, राइट इन पर के प्रपंजल, लेफ्ट इन पर मोहम्मद नबी बख्श, राइट कॉर्नर पे बालदेव सिंह, लेफ्ट कॉर्नर पे रिंकू नरवाल। वहीं पर यू मुंबा की स्टार्टिंग सेवन हो सकती है सेंटर पे अभिषेक सिंह, राइट कवर पे सुरेंद्र सिंह, लेफ्ट कवर पे योंगचेंको, राइट इन पर अतुल एमएस, लेफ्ट इन पर रोहित बालियान, राइट कॉर्नर पे संदीप नरवाल और लेफ्ट कॉर्नर पे फजल अत्रचली। तो ये हो सकती है इन दोनों टीमों की स्टार्टिंग सेवन। तो गाइस स्टार्टिंग सेवन के बाद अब मैं आपको इस मैच का ड्रीम सेवन बता देता हूँ जो हम लगाने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट फैंटेसी एप्लीकेशन एमपीएल पे, जिसके ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली है। तो डिस्क्रिप्शन में एमपीएल का लिंक है, जल्दी से जाकर डाउनलोड करो और लॉग इन करते समय आप मेरा रेफरल कोड जरूर यूज करना। तो पहले मैं आप एमपीएल फैंटेसी में जाना है, फिर जाना है कबड्डी के सेक्शन में मैच नंबर 32 बंगाल वॉरियर्स वर्सेज यू मुंबा, फिर हमें यहाँ पर एक कोई सा पॉट सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर एक टीम क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर एक टीम क्रिएट कर लेता हूँ। तो गाइज मैंने टीम क्रिएट कर लिया है, आप अभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। आप भी चाहो तो एक ऐसी टीम बना सकते हो या फिर आप खुद से भी बना सकते हो। इसके बाद आपको बस स्पॉट ज्वाइन कर लेना है। तो डिस्क्रिप्शन में एमपीएल का लिंक है, जल्दी से जाके डाउनलोड करो। तो गाइज अब हम कर लेते हैं इन दोनों टीमों को थोड़ा सा एनालाइज। तो पहले हम बात करते हैं बंगाल वॉरियर्स के बारे में। तो बंगाल वॉरियर्स की टीम बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रही है इस सीज़न में। जैसा मैंने आपको बोला था, टीम बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है। कुछ इस टीम में ऐसे प्लेयर्स हैं जो अच्छा करेंगे तो ये टीम बहुत ही ज़्यादा अच्छा करेगी, जैसे मोहम्मद नबी बख्श, मैंने आपको ये बात बोली थी, और मनिंदर सिंह नबी बख्श और उसके साथ साथ के प्रपंजन, तीनों बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं जिसके कारण ये टीम भी बहुत अच्छा कर रही है। उसके साथ साथ जो इनके कॉर्नर्स हैं बालदेव सिंह और रिंकू नरवाल, उन्होंने भी बहुत अच्छा किया पहले के मैचेस में। अभी थोड़ा परफॉर्मेंस उनका जरूर डाउन हुआ है, लेकिन वो आपसी करेंगे और बहुत अच्छा खेलेंगे। प्रॉब्लम है उनका कवर पे जीवा कुमार ठीक ठाक खेल रहे हैं, लेकिन विराज लैंडजे पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है और वो बिल्कुल अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं। तो वहाँ पे एक अच्छा प्लेयर जरूर लाना होगा अगर इस टीम को अपनी टीम की डिफेंस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है तो। अदरवाइज़ इनकी टीम बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जीतते आ रही थी लास्ट मैच के पहले तक, लेकिन लास्ट मैच में वन मैन आर्मी की तरह पवन सहरावत ने इनकी डिफेंस को धो डाला आप कह सकते हो। उस मैच में बिल्कुल नहीं चले थे बालदेव और रिंकू, तो बालदेव और रिंकू को अच्छा करना होगा अगर बंगाल को जीतना है। तो जब जब ये दोनों अच्छा करते हैं तो बंगाल इजिली मैच निकाल लेता है, लेकिन लास्ट मैच में बालदेव रिंकू कुछ नहीं कर पाए बिकॉज उनके सामने थे पवन और फुल फॉर्म में थे, 29 रेड पॉइंट्स उन्होंने निकाल लिए, तो उस मैच को जीत गई बंगाल वॉरियर्स। लेकिन मेरे हिसाब से बंगाल की टीम बहुत अच्छी है और वो यू मुंबा को हराने का पूरा मादा रखती है। तो गाइस ये तो थी बंगाल वॉरियर्स की एनालाइज, अब हम करते हैं थोड़ा सा यू मुंबा को एनालाइज। तो यू मुंबा की टीम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जैसा मैंने आपको बहुत ही पहले बोल दिया था कि ये टीम बिल्कुल अनप्रेडिक्टेड हो चुकी है। कभी ये किसी को भी हरा दे रहे हैं, कभी ये किसी से भी हार जा रहे हैं। मतलब हम जिस मैच में प्रेडिक्ट करते हैं कि ये मैच को यू मुंबा इजिली जीतेगा, उस मैच में यू मुंबा हार रहा है। वहीं पर अगर हम प्रेडिक्ट करते हैं कि यू मुंबा के सामने गुजरात है तो जरूर गुजरात यू मुंबा को हरा देगा, लेकिन यू मुंबा गुजरात को इजिली हरा दे रहा है। तो बिल्कुल ये टीम अनप्रेडिक्टेड है, किसी को भी हरा सकती है अगर इनके प्लेयर्स फॉर्म में हो तो, किसी से भी हार सकती है अगर इनके प्लेयर्स फॉर्म में ना हो तो। तो टीम तो बहुत अच्छी है और बिल्कुल बंगाल वॉरियर्स को ये इजिली भी हरा सकते हैं, किसी भी टीम को ये टीम हरा सकती है। लेकिन आप कह सकते हो कभी कभी इनका परफॉर्मेंस डाउन चला जा रहा है, लास्ट मैच में इन्होंने गुजरात को इजिली धो डाला था। वहाँ पर यार सुरेंद्र सिंह ने कमाल का खेला था, बहुत अच्छा खेला था, वैसे हर मैच में अच्छा खेलते हैं, लेकिन वो एक कमाल का रेड उन्होंने कर दिया था जिसके कारण मैच यू मुंबा के हाथ में आ गया। तो गाइस ये तो थी इन दोनों टीमों की थोड़ी सी एनालाइज, अब हम फाइनली बात करते हैं इस मैच के विनर के बारे में। तो यार मेरे हिसाब से तो बंगाल वॉरियर्स का पलड़ा थोड़ा भारी रहेगा बिकॉज यू मुंबा अभी तक सेटल नहीं हो पाई है ऐसा मुझे लगता है।
चाहे पूरी तरह से, लेकिन युम्बा की टीम बहुत अच्छी है। जैसा मैंने आपको बोला, वो किसी को भी हरा सकते हैं, लेकिन बंगाल की टीम थोड़ा सेटल लग रही है और अगर उनका डिफेंस अच्छा करे तो वो युम्बा को इजीली हरा सकती है। लेकिन युम्बा की टीम वहीं पर अनप्रेडिक्टेड है, किसी से भी हार जा रही है, किसी से भी जीत जा रही है। आप भी अपना विनर प्रेडिक्ट कर सकते हो इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके। वहाँ पर मैंने आपसे पूछा कि इस मैच को कौन सी टीम जीतेगी, तो जाके वोट करो और आप कमेंट्स में भी लिखकर बता सकते हो। और बस यही थी वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसी लगी आपको वीडियो। अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जाइए ताकि जैसे अगली बड़ी वाली वीडियो बना उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना है, बस अगली वीडियो के लिए वेट करना है।